मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू संडे है फंडे। आज फिर से एक वो दिन आ गया है जिस दिन हम बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। पूरे हफ्ते की हेक्टिक रूटीन के बाद हम एक दिन का वेट करते हैं कि वो संडे कब आएगा जिस दिन हम बस घर पे बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे और फ्रेंड्स से कैच अप करेंगे और फैमिली से कैच अप करेंगे। तो आई एम श्योर आप लोग सब अभी उठ के टीवी के सामने ग्लू हो गए होंगे, कुछ ब्रंच ट्रंच मंगवा रहे होंगे और कुछ दिन प्लान किया होगा कि ईजी सा गुजरेगा, हैसल फ्री और टेंशन फ्री। तो इसी नोट पे एक मजेदार सी मैं आप लोगों के साथ फैक्ट शेयर करूं। जी जी बिल्कुल कीजिए। कि मैंने पढ़ा रिसेंटली कि ख्वातीन जो हैं वो जिंदगी में से 2 साल शीशे के सामने गुजारती हैं, एज अपोज टू मर्द हजरात जो कि पूरी जिंदगी अच्छा जुनेद आदमी जो है वो पूरी जिंदगी में से 6 महीने शीशे के सामने गुजारते हैं। हाँ, और एक और मजे की बात ये शरीन, अब ये हम पे हंसेंगे मगर औरतें जो हैं पूरे दिन में 7,000 वर्ड यूज करती हैं, अल्फाज 7,000, और आदमी जो हैं वो 2,000। इसमें वो भी शामिल है जब ये बेसिकली 2,000 वही होते हैं, ये 2,000 यही 2,000 बन जाते हैं क्योंकि कुछ आदमियों का कहना क्या चाह रही है अनुषा कि मैं आज ज्यादा बोलूंगा आप ज्यादा गाइएगा, स्टैटिस्टिक्स बता रही है लोगों को ज्यादा गाइएगा ज्यादा बोलिएगा ना। हाँ नहीं नहीं ऑफकोर्स गपशप लगेगी तो उसमें आपको बोलना तो पड़ेगा ही। जी जी बिल्कुल मुझे पता है। तो बेशक सुर में बोले, सुर में बोले क्या हाल है आपके क्यों व्हाई नॉट, और हम आगे से क्या करेंगे ठीक है ताकि 7,000 अल्फाज ये कह ले और हम लोग सिर्फ 2,000 कह दें ना। आज उल्टा करते, मैं 7,000 बोलूंगा आप 2,000 बोलिए, अगर आप 2,000 बोलेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो आप बोल लें 7,000। वैसे प्रोग्राम घंटे का पूरे दिन का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो क्या सीन है आज, क्या करने लगे हम सब मिल मिला के? हम बहुत सी फन मस्ती करेंगे और इंशाल्लाह जो हम लोग करते हैं वही करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। कोई गाना सीख के आए जी? ये सीखे सिखाए हैं ये तो तकरीबन पैदा होते साथ ही इन्होंने ऐसा सुर लगाया कि डॉक्टर्स ने कहा ये जो आर्टिस्ट है ना ये जो अच्छा जुनेद आपने वो LED स्क्रीन देखी है जो 21:9 की ट्रांसपेरेंट वाली आई है, बड़ी कोई कमाल 21:9 बहुत छोटा स्क्रीन सुना है कि कोई बहुत ही कमाल चीज है, महंगी है बट वर्थ इट है, पता नहीं 21 छोटा स्क्रीन ही है, आई हैव नो आइडिया, मैंने तो सिर्फ पढ़ा अखबार में, मैंने कहा अच्छा गॉसिप तो नहीं है, जो अखबार में चीजें आती गॉसिप तो नहीं होती है, वो सही होती है। आपको लगता है? बिल्कुल सही। आपको यही लगता है? आपको लगता है कि जो अखबार में आता है वो सही होता है? बिल्कुल सही होता है। ये और क्या होने की बात की, अखबार का है को छापते अखबार, बेसिकली आप ये कह रही हैं कि होना चाहिए जो अखबार में आती चीज वो सही हो, होनी तो यही चाहिए। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी लोग, आपने ये भी येलो जर्नलिज्म का नाम भी सुना होगा, पेड कंटेंट जो होता है अपने आप को छपवाने के लिए, आप पैसे देकर छपवाते हैं अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए, लेकिन वो चलाते हैं एज ए न्यूज करके, वो भी एक चीज होती है, लिफाफा लिफाफा जिसे कहते हैं, लिफाफा फलाफल फलाफल इसका वर्ड ये होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा जुनेद आपने कोई मूवी देखी है, कोई मजेदार सी लेटेस्ट? लेटेस्ट मैंने एक मूवी देखी है एनिमेटेड, आई एम बिग फैन ऑफ एनिमेटेड मूवीज, उसके अंदर एक रिसेंटली एक आई है रियो नाम है उसका, रियो एंड इट इज रियली फन टू वॉच, और अगर मुझे लग रहा है कि आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी मगर देखना चाह रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। लाहौर के अंदर एक 3D सिनेमा अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, जिन्होंने नहीं देखी वो 3D में जाके देखी, कराची में भी, कराची में तो था पहले, अच्छा पहले ही था लेकिन अभी रिसेंटली लाहौर में इंट्रोड्यूस हुआ है 3D सिनेमा, तो आप जरूर जाएं। और पता है ये 3D या एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं, सॉरी, वो एडल्ट्स के लिए भी होती हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती हैं, कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि तो बच्चों की मूवी है। आप देखें एंटरटेनमेंट के अंदर आप बहुत सी चीजें सीखते हैं उसके, आप जरूरी नहीं कि आपको बड़ों की शक्लें देख के कोई चीज समझ आए, आप बहुत सी चीजें बच्चे भी सिखाते हैं अपने भोलेपन में, अपने भोलेपन में अगर आप समझना चाहें तो, अगर आप अपनी अना से बाहर निकल के उस चीज को देखना, अगर आप इशारे समझें, और इशारे से मुझे याद आया उस तोते का रंग भी बिल्कुल आपकी शर्ट जैसा है। Really? Yeah. क्या उसने मुझे कॉपी किया यार? Blue तोता, blue तोता। I cannot blue it that it was blue. अच्छा तो मेरा ख्याल है वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का,
हम थोड़ा सा केलूला फरमाएंगे। हाँ। आप नहीं, आप कुछ खाने पीने के लिए लेके आए क्योंकि हमें सजा है, आप हमें अभी हमारा वेट कीजिए। सजा या फिर एक एंटरटेनमेंट जिस तरह से जगह, क्योंकि हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट होंगे, तो उनको देखने के लिए आपने ट्यून रहना है इसी शो में, संडे है फंडे।